आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। आज इस कार्यक्रम में मुझे भी आने का मौका मिला है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये कार्यक्रम ब्रज महोत्सव जो है वो पर्यटक विभाग, नगर पालिका और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जाता है। नगर पालिका और पर्यटक विभाग ने जो मान सम्मान यहाँ पर दिया है उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि शायद ये कार्यक्रम पहले कोर्ट ऊपर होता था, लेकिन विधायक की ये सोच थी कि कोर्ट ऊपर भी तो आप लोग देखने जाते हो, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं उसी इलाके में इसको रखा जाए जहाँ के लोग ज़्यादा इसको देखते हैं, ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने एक सही फैसला लिया है कि इस इलाके में ये होना चाहिए, क्योंकि ये कामाका ग्रामीण शहर है। तो ग्रामीण शहर में होली की जो आज भी जो लोगों की वो है, वो पार्टिसिपेशन ज़्यादा है बजाय शहरों में। और यहाँ गोपीनाथ जी मंदिर है, ये बहुत बड़ा मंदिर है, ये मुझे आज ही जानकारी यहाँ हुई है। यहाँ के महंत से और उनके जो संस्था जो इनको देखते हैं उनसे मेरी बात हुई यहाँ पर, और मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। और हमसे जो कुछ भी इस मंदिर की उत्तरोत्तर ये अच्छा हो उसके लिए जो भी हमसे बन पाएगा वो विधायक साहिबा ज़रूर करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। और दूसरा मैं आपसे ये कह दूँ कि ब्रज महोत्सव अब आपने अब तक देखा है, इसमें जो कुछ भी कमी हमको जो नज़र आ रही है आप महसूस करेंगे, हर साल इसमें कुछ ना कुछ सुधार होगा। और कामा का ब्रज महोत्सव और बरसाने की नंदगांव की होली के लेवल पर जब तक ये नहीं पहुंचेगा तब तक विधायक साहिबा चुप नहीं बैठेंगे, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर आए, आप एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।